2 minutes. हाँ, समर्थन करता हूँ. समर्थन मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि दलित लोगों के साथ सदियों से अत्याचार होता रहा, इनके साथ दुर्व्यवहार होता रहा, ये अत्याचार इनके साथ जातियाँ होती रही, इनको अछूत समझा गया, तो इनको अपमानित वाले शब्द कह करके इनको अपमानित किया गया. सर, मैंने अपने बचपन में एक ऐसे दृश्य देखा है जब ऐसे वर्ग के लोग उच्च वर्ग के लोगों को मिलने जाते थे तो उनको उनके साथ चारपाई पर बैठने का अधिकार नहीं था, तो चारपाई बैठने का अधिकार नहीं था तो उनको अपनी बात इसलिए वो बैठ करके इस प्रकार बैठ करके उनको अपनी बात कहते थे, जैसे यहाँ ठाणों में किसी मुलजम को ले जा करके बैठा दिया जाता था, कुड़ू बैठ के वो अपनी बात कहता, इसी प्रकार से इन लोगों के साथ अत्याचार किया जाता था. तो क्या जाता था, ये हमारी संस्कृति के विरुद्ध, बिल्कुल हमारी संस्कृति के विरुद्ध है. तो मैं धन्यवाद करूंगा जब 1979 में SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट आया तो उसके आने से इन लोगों को संरक्षण मिला. तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन आई है, ये लोग जो है ऐसे लोग जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे और ये लाखों की संख्या में सड़क पे आ गए, तो फिर सरकार ने ये बिल लाया. तो मैं बिल लाया, इस बिल के आने से ये बिल जो आएगा बहुत सख्त बिल आ जाएगा. ये सख्त आएगा, जब कोई सख्त बिल आता है नागरिक उसको अपने अपने जो है उसको अपने हाथ में नहीं लेगा. अगर कोई नागरिक उस बिल को कानून को अपने हाथ में लेगा, कानून अपना काम करेगा. फिर भी जैसे अभी संजय रावत जी कह रहे थे, कोई बेकसूर या इस कानून का कहीं ना कहीं मिसयूज होता है, या पुलिस की वजह से होता है, किसी अन्य की वजह से होता है, तो उस बेकसूर लोगों को भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए. तो मंत्री जी को मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, उनको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी इसका, इसमें कहीं ना कहीं इसमें अगर कोई लाइन इसमें जोड़ दी जाए तो एक बैलेंस कानून बन जाएगा. लास्ट सर OBC में जो कास्टें हैं, इनमें कुछ जातियां भी ऐसी हैं जो उच्च जो गरीब जातियां हैं, उनके साथ भी ऐसी प्रकार से अत्याचार होते हैं, उनके साथ जातियां हो रही हैं जिस प्रकार से SC वर्ग के लोगों को होता है, उनको भी इसी प्रकार से अपमानित शब्द कह करके उनको समाज में अपमानित करने का काम किया जाता है. तो सर, फिर मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा, इनके लिए भी फिर आप करने का कुछ काम करें, इनके लिए भी कोई कश्यप जी धन्यवाद. श्रीमती